हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज एसएससी एमटीएस ने रिजल्ट आउट कर दिया है, पूरा फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया। कट ऑफ देखेंगे आप, बिल्कुल डर जाएंगे आप। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कट ऑफ, बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई है इसकी। आपको मैं दिखाऊंगा पूरा कट ऑफ कितनी गई है। आप बिल्कुल गेस भी नहीं कर पाएंगे कितनी कट ऑफ कैसे जा सकती है किसी भी एग्जाम की। 10,302 वैकेंसीज हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ मैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और उसके साइड में एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको लेके चलते हैं रिजल्ट पर। आप सामने देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग लिखा हुआ है, इसी पे क्लिक करें। जैसे ही फाइनली कट ऑफ बताता हूं आपको मैं कितनी गई हुई है, सारी चीजें आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कितनी क्या है सारी। अभी नोटिस आया है, इसी का फाइनल रिजल्ट है। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, एक चीज आपको बता देता हूं मैं, कि 143,657 जो थे टीयर टू में अपियर हुए थे, यानी 143,657 कैंडिडेट 28 जनवरी को अपियर हुए थे। और इसमें लिखा हुआ है, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 17.5 नंबर जनरल के लिए कैटेगरी, और अदर कैटेगरी के लिए 16.5 नंबर 33%, यानी टीयर टू जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसमें 35% लिए गए जनरल के लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए 33% लिए गए हैं। और फाइनल जो रिजल्ट आया है वो आपको मैं बता दूं, टीयर इसमें लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट टीयर वन, यानी टीयर वन के रिजल्ट, टीयर वन के हिसाब से आपको जो वो फाइनली कट ऑफ गई है और टीयर वन के हिसाब से गई है। और आगे आपको चीज बता देता हूँ, जो भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट बुलाए गए हैं ये 1/2 है, जैसे जिसकी वैकेंसी है जिस भी कैटेगरी की उसके हिसाब से 1/2 बुलाया गया है, और 1/3 एक्स सर्विसमैन OH, HS, OBH के हिसाब से बुलाया गया है। और टोटल आप टोटल कैंडिडेट्स की बात करें, आप कट ऑफ सबकी सबसे पहले बता देता हूँ मैं, सीआरई कट ऑफ की बात करते हैं, जिसका कोड आई था SC 127.25, ST 120.75, एक्स सर्विसमैन 110.75, OBC की बात करें तो 131.5 और जनरल की 132.5। सीआर रीजन की बात करें यूपी की, जिसमें सीआर रीजन में बिहार और यूपी की बात करें तो एससी कट ऑफ 125.5, एसटी 114, एक्स सर्विसमैन 95, ओएच 122.5, एचएच 116.75, 129.25, ओबीसी कट ऑफ यूपी की गई है 129.25, और वीएचसी कट ऑफ गई 123 और 130.75 कट ऑफ गई है जनरल वालों की। ऐसे ही आप सारी रीजन्स की कट ऑफ दी गई है, इसको रीजन्स को आप देख सकते हैं। एनआर रीजन की बता देता हूँ मैं कट ऑफ, दिल्ली की कट ऑफ बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो 123 नंबर कट ऑफ गई एसटी एससी की, और ओबीसी की बात करें तो 123.5, और जनरल की बात करें तो 126 नंबर कट ऑफ गई है। राजस्थानी कट ऑफ देख सकते हैं, उत्तराखंड की, सारे रीजन की कट ऑफ दी गई है इसमें। आप सबकी कट ऑफ अच्छे से चेक कर सकते हैं, इसका जो रिजल्ट है मैं डाउनलोड इस पर डिस्क्रिप्शन लिंक में कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। टोटल 23,511 कैंडिडेट इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10,302 वैकेंसीज पे लिए गए हैं। अभी कट ऑफ एक बार और जाएगी, क्योंकि अभी बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि वैकेंसी 10,302 ही है और बच्चे लिए टोटल स्टूडेंट्स लिए गए हैं 23,511। तो अभी भी जो भी बाउंड्री पर हैं बिल्कुल अपने आप को सेफ ना समझें, अभी बच्चे और बाहर होंगे, क्योंकि अभी ये टीयर वन के हिसाब से गई, तो टीयर टू में अभी थोड़ा सा जो टीयर टू में एबसेंट हुए थे उन बच्चों के भी नाम है इसमें अभी वो, लेकिन सब बाहर हो जाएंगे क्योंकि टीयर टू में वो क्वालिफाइंग कर ही नहीं पाए होंगे। टोटल 23,511 कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और सारी वैकेंसी जितने में जहां जहां फिल हुई है वो सारी वैकेंसी दी गई हैं, किस हिसाब से कितनी वैकेंसी आप इसमें देख सकते हैं, इसमें इसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख लेना। और सब कुछ दिया हुआ है इसमें, लिखा हुआ है, और बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो इसमें लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें अगर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता देता हूं आपको, सारा लिखा हुआ है। द डॉक्यूमेंट 7 पॉइंट देखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द रीजनल ऑफिस बिटवीन 25 फरवरी से 15 मार्च के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और यहां लिखा हुआ, द स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट वुड बी मेड अवेलेबल टू द वेबसाइट ऑफ, ये लिखा हुआ है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा इसके बाद में आपको फाइनल जो भी आपका कैंडिडेट का स्कोर होगा, जिस भी स्टूडेंट का इतना स्कोर होगा वो आपको इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। और सब कुछ ये सब आपने देख लिया, इसका डिस्क्रिप्शन में वापस में बोल दे रहा हूँ, लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी कट ऑफ और भी बढ़ के जाएगी, तो जो बाउंड्री पर हैं बिल्कुल अपने आप को सेफ ना समझें। और इसके अलावा आप जितने भी सबका जो भी प्रिडिक्शन था 110, 120, 125 सबका प्रिडिक्शन फेल हो गया इस टाइम पे, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज्यादा गई है कि सबका प्रिडिक्शन इस टाइम पे फेल हो गया है।
फिर भी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आगे 10+2 की प्रिपरेशन करें, पेपर उनके आने वाला है। जैसे एडमिट कार्ड भी कुछ रीजन्स के अभी अपलोड हो गए हैं, कुछ रीजन्स के आने बाकी हैं। जिनका सिलेक्शन हो गया है वो आगे अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट दें, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अभी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।